की जनता कई उम्मीद और आशा के साथ अपने मत का प्रयोग करती है और भारत की जनता की उम्मीद होती है कि मैं जिसे मत दे रहा हूं ये मेरे मत के प्रयोग के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी वह मेरे और मेरे परिवार के हित में, समाज में और देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और लोगों को सुख सुविधा की प्राप्ति हो, योजना बने, कार्य उस मुताबिक हो, यह उम्मीद लोगों के अंदर होती है और वो मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन दिनों सदन से लेकर सड़क तक यही देखा जाता है कि जीत के जाने वाले सरकार वो अपने झोली भरने में लगे हुए हैं, विपक्ष पर कटाक्ष करने में लगे हुए हैं, सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की मूलभूत क्या समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती। मैं इन दिनों की बात बताऊं, सदन में जो लोकसभा का सदन है और राज्यसभा, वहां बहस होती है और उस बहस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि 600 योजनाएं गांधी या नेहरू परिवार के नाम पर चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू टाइटल था, लेकिन राहुल गांधी नेहरू टाइटल नहीं रखे और वो गांधी टाइटल रखे हैं, क्या उन्हें शर्म आती है नाम टाइटल रखने से? अब आप सोच सकते हैं कि सबको पता कि गांधी टाइटल इंदिरा गांधी को गांधी जी ने दिया था और यह सबको पता कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता। अब आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए और राहुल गांधी को शर्मिंदा करने के लिए, राहुल गांधी को डेमोरलाइज करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वक्त बर्बाद करते हैं। टाइटल से क्या लेना देना? लेकिन जो भारत के अंदर में महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, जो युवा वर्ग सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं, जो अडानी के द्वारा जिस तरह बहुत बड़ा फेरबदल किया गया, शेयर गिरा और अडानी के कारण लाखों करोड़ों लोगों का रुपया डूबने के कगार पर है, उस पर चर्चा करने के बजाय मोदी जी टाइटल और सरनेम पर चर्चा कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने को ओजस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और उनके द्वारा जनजीवन लोगों का कैसे सुधरे, लोगों का विकास कैसे हो, लोगों के बच्चे कैसे नौकरी पेशा में जाए, रोजगार मिले, इस पर सदन में चर्चा करने के बजाय एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार की रहती है कि सदन में विपक्ष को यानी कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाए, किसी न किसी तरह का कटाक्ष करके सदन को निलंबित करवाया जाए और सदन को दिग्भ्रमित किया जाए। राहुल गांधी लगातार अडानी प्रकरण पर जवाब प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं और जवाब देने के बजाय वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी के शासन काल के पहले अडानी बहुत पीछे थे व्यापार में और अमीरों की लिस्ट में 200 से भी पीछे थे, लेकिन अचानक अडानी को मोदी जी के आ जाने के बाद कैसे ऊंचाई को छुआ, हर व्यापार में हाथ डालना प्रारंभ किया, हर व्यापार को चलाना प्रारंभ किया, हर व्यापार में सफल होने लगे और ढाक के तीन पात होते होते देश की जनता की गाड़ी कमाई चली जा रही है। LIC से कर्ज लिया गया,
एसबीआई से कर्ज लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जवाब सरकार इस पर नहीं दे रही, अडानी ग्रुप पर कार्रवाई करने के बजाय, जवाब देने के बजाय नेहरू और गांधी सरनेम पर चर्चा मोदी जी स्वयं करते हैं। अब सोच सकते हैं आप कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री छोटे छोटे बातों को लेकर और इस तरह ओछी बात कर रहे हैं, यह कितना अशोभनीय है। लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि देश की आधी आबादी आज भरपेट भोजन नहीं कर रही। देश की आधी आबादी यह सोच रही कि आगे भविष्य कैसे चलेगा। देश की आधी आबादी के थाली के सामग्री में कमी आ गई। देश की आधी आबादी भूखमरी के कगार पर है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है जिसके कारण लोगों का जीना दुभर है। मोदी जी को यह समझना चाहिए कि जो बजट पेश पिछले दिन किए गए उसमें मिडिल क्लास लोगों को राहत मिले, गरीब को राहत मिले, अनाज पर जो जीएसटी लगा दी गई उसे हटाया जाए ताकि खाद्य पदार्थ जो लोगों की जरूरत का सामग्री है वह खाद्य पदार्थ की कीमत कम हो। खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ गई। अब आप सोच सकते हैं कि देश में भुखमरी की स्थिति है। अगर आप नेशनल टीवी देखेंगे तो आपको तुलना करके बताया जाता है टीवी में कि पाकिस्तान में 200 रुपया किलो दूध, हिंदुस्तान में 50 रुपया किलो दूध। पाकिस्तान में 200 रुपया ये चीज, हिंदुस्तान में 30 रुपया ये चीज। आप सोच सकते हैं कि मीडिया कितनी बिकी हुई है, बेशरम मीडिया है कि इंडिया को पाकिस्तान से तुलना करने करवाने की क्या आवश्यकता है। आपके भारत की क्या योजनाएं हैं, सरकार या विपक्ष क्या कर रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कभी राम मंदिर, कभी नेपाल से पत्थर लाके मूर्ति बनाई जाएगी इसकी चर्चा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की चर्चा, कश्मीर में जो विस्थापित पंडित हैं उन्हें क्यों नहीं हक दिलाया जा रहा, उन्हें क्यों नहीं उनके घर तक पहुंचाया जा रहा, विस्थापित को अपने घर परिवार के साथ क्यों नहीं उनके हक को देके उन्हें वहां बसाया जा रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर कब तक अंधेरे में देश के युवाओं को भारत सरकार रखेगी, आखिर कब तक अंधेरे में मिडिल क्लास और गरीब लोगों को रखेगी भारत सरकार, कब तक मोदी जी केवल राहुल गांधी के मत्थे और राहुल गांधी के नाना परनाना के ऊपर ढेला फेंक के राजनीति करते रहेंगे। ये ढेला फेंकने वाला जो गांधी जी के सरकार का, सॉरी मोदी जी के जो सरकार की जो नीति है ढेला फेकौल का, या ढेला फेकौल का नीति छोड़कर देश के हित की बात होनी चाहिए। आम लोगों के जनजीवन में बदलाव कैसे आए, आम लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, आम लोगों की जीविका कैसे चले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, युवा वर्ग खुशहाल कैसे हो, यह चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ढाक के तीन पात, केवल कांग्रेस पर हमला, केवल कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस को मोहरा बनाकर सरकार अपने हर दोष को छिपाती है, यह भारत के लोगों को समझना होगा। सरकार अगर नहीं बन रही तो खरीद के एमएलए को सरकार बना लेना है, बहुमत नहीं है तो तोड़कर बना लेना है, यह तो भारत सरकार की नीति है। आप भारत के लोग कब समझेंगे, कब इस विचार को, जो मेरी विचार है जो मैंने बताया, कब आपके जहन में आवेगा, यह आपका विषय है।
लेकिन मेरा विषय है मैं आप तक खबर पहुंचाता रहूं। मीडिया हमेशा आतंकवाद, हमेशा पाकिस्तान, हमेशा मंदिर मस्जिद की चर्चा करती है। मोदी जी की सरकार हमेशा गांधी परिवार पर हमला। यह है नीति, झूठ को बार बार इतना दोहराओ कि वह सच बन जाए, लोगों के दिमाग में घर कर जाए। मूल समस्या की चर्चा होनी चाहिए, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। भ्रमित करने वाले सरकार के नीति का विरोध होना चाहिए, हक की लड़ाई होनी चाहिए। अब मत देने से पहले हजार बार लोगों को सोचना चाहिए, इसलिए कि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद बनी रहती है नए सरकार को बनाने में, और उस उम्मीद पर खड़ा सरकार नहीं उतरती। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले, मत देने से पहले हजार बार लोगों को सोचना चाहिए। कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह में। अब देखना यह है कि वहां की जनता क्या सोचती है और क्या रिजल्ट वहां आता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।